स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा संयुक्त रूप से एक सम्मान समारोह आगरा के संजो प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में रखा गया। मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने इस सम्मान समारोह में वाल्मीकि समाज के प्रबुद्ध जनों, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, व्यापारी, समाज सेवियों का सम्मान किया। सभी मंचासीन प्रबुद्ध जनों का फूलमाला एवं पटका पहनाकर सम्मान हुआ। इसके साथ ही एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। वाल्मीकि समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अन्य विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, कुल मिलाकर जो प्रबुद्ध जन हैं, आए वाल्मीकि समाज के हमारी टीम ने इनके सम्मान का एक समारोह का एक कार्यक्रम रखा है। किसी भी समाज में जो प्रतिभाशाली लोग हैं, वो हर समाज अपना जो स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज की जो प्रतिभा हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को सम्मानित करने का काम किया है। इसके पीछे का मोटिव ये होता है, समाज का जो प्रबुद्ध जन है, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, चाहे खेल के मैदान में हो, साहित्य के मैदान में हो, पुलिस की सेवा में हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अधिवक्ता, जो भी शिक्षक, जो भी हो, समाज के लोग जब इनको प्रमोट करते हैं, उत्साहित करते हैं, तो समाज में चेतना का जागरण होता है और प्रतिभाएं निखर कर आती हैं और लोगों में एक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है, समाज बहुत आगे बढ़ता है। मैं स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ जो उत्तर प्रदेश का है, इनको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बहुत अच्छे अच्छे ये आयोजन कर रहे हैं, अपने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भी ये लोगों को सम्मानित करने का काम करते हैं, प्रतिभाओं को आगे लाने का काम करते हैं। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समाज की जो प्रतिभा हैं, लगातार उनको सम्मानित करके उनको आगे लाने का काम यदि ये करते रहेंगे तो समाज प्रोत्साहित भी होगा और समाज आगे भी बढ़ेगा। डॉक्टर महर्षि वाल्मीकि जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं दोनों के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है दोनों के लिए। यदि महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो आज दुनिया की जो रामायण है उसका ज्ञान किसी को नहीं होता। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जीवन का चित्रण किया है और पूरी दुनिया को, संसार को जानकारी दी है, तो वो महर्षि वाल्मीकि ने एक अद्भुत और आश्चर्यजनक काम किया है। तो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के पूरे जीवन को चरितार्थ किया है और वो हम सभी के लिए एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी हम सब लोग पूजा करते हैं। स्थानीय उत्तर प्रदेश स्थानीय सफाई कर्मचारी संघ की ओर से समय समय पर, चाहे सफाई कर्मचारियों की समस्या हो या उनका सम्मान हो या छात्र छात्राओं का, जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं समाज के, उनका मान सम्मान हो या प्रबुद्ध जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों का या समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का सम्मान हो, इस संगठन के माध्यम से हमेशा से ही इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। और हम इस सफाई संगठन के जो अध्यक्ष हैं और उनकी जो पूरी टीम है, हम उनका दिल से बहुत गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस प्रबुद्ध जन का सम्मान करने का काम किया है। आज उसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि आज 30 दिसंबर नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या में करीब 100 लोगों का आज सेवानिवृत्त हुए हैं, इसलिए उन लोगों के साथ में जो महापंचायत के लोग हैं और भी समाज के लोग हैं, वो सारे लोग उनके साथ हैं, इसलिए मेरा नाम आदर्श चौधरी है, पेशे से एडवोकेट हूँ, वर्तमान सरकार में EDGC क्राइम के पद पर कार्यरत हूँ। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंच को नमन करते हुए आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में जो आने वाली पीढ़ी है और कुछ बनकर कुछ कार्य करना चाहती है, उसको बहुत नैतिकता मिलेगी, उसके बहुत मोरल वैल्यूज़ बढ़ेंगी। इस प्रोत्साहन से
हमारे समाज में दिन पर दिन बच्चों का और बच्चों के जो माता पिता हैं उनका भी ये मन बनेगा कि हम बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चे कुछ बने और समाज का नाम रोशन करें। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ एवं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2023 में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो वाल्मीकि समाज के प्रबुद्ध जन जैसे वाल्मीकि समाज के वकील हैं, जैसे डॉक्टर हैं, जैसे के प्रोफेसर हैं, जैसे MR हैं, व्यापारी हैं, ऐसे प्रबुद्ध जनों का हमने अपने संगठन के माध्यम से स्वागत सम्मान करने का काम किया है। इस स्वागत सम्मान करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य एक ऐसे लोगों का सम्मान करने से एक प्रेरणा मिलती है वाल्मीकि समाज को, एक नई दिशा मिलती है वाल्मीकि समाज को, क्योंकि ये लोग अपने अपने कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। हम इन लोगों को आप पत्राचार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इनका उजागर करने का काम करते हैं, जिससे कि समाज में एक नई दिशा उनकी दिखे और नई प्रेरणा उनको समाज को उनके कार्यक्रम को देखकर नई प्रेरणा मिले और नई दिशा मिले। कितने वर्षों से कार्यक्रम आप कर रहे हो? ये कार्यक्रम हम दूसरा या तीसरा वर्ष है इस कार्यक्रम को करने का। क्या उद्देश्य है इसका? इसका यही उद्देश्य है कि जब हम इन समाज में इन प्रबुद्धजनों का सम्मान करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से पूरे आगरे को दिखाया जाएगा, तो समाज में एक प्रेरणा महसूस होगी कि भाई हम आगे जैसे ये इस समाज को इस पैसे अदर जो कार्यक्रम करते हैं हम, उस कार्यक्रम करने से जो समाज में जो प्रेरणा दी जा रही है, इस प्रेरणा में और अच्छा लगे और समाज आगे निकल के आए। अभी ये 4-5-10 लोग हैं, इन 10 लोगों में से जब उनको दिखेगा समाज को तो वो और बढ़ के चढ़ के पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का काम करेंगे, व्यापार का काम करेंगे और डॉक्टर इंजीनियर बनने का काम करेंगे। ये उद्देश्य है हमारा इस कार्यक्रम करने का।